और हमारी हालत तो ये है कि सब छोड़ दिया, तो आज ये है कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स हमारी निकलती है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पस्ती में पड़ी हुई कौम है तो मुसलमान, सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं तो मुसलमानों के अंदर है, सबसे ज़्यादा कॉलेज तक नहीं पहुँचते वो मुसलमान हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा कम है, कुछ हालत में सबसे ज़्यादा आगे हैं वो है मुसलमान। तो ये सब अब सिर्फ ये रह गया इस्लाम उनके लिए क्या हो गया कि झंडे नारे और जुलूस, इसके अलावा कोई इस्लाम के पास बचा नहीं था, सब ये चीज़ें रह गई। और जो कुछ जिक्र के नाम पे बचा कि जिक्र करना था, तस्बीहात पढ़नी थी, तो वो भी ख़त्म करके और वो जगह नातों ने ले ली, और नात के अंदर भी अच्छी कोई नात नात भी उसके अंदर वो भी के दो तीन मौजू बस, मदीने की गलियाँ, अल्लाह के रसूल सल्लम आला उला, बस दो तीन मौजू, इतनी सारी अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़िंदगी की सीरत पढ़ी हुई शायर, वो भी भूल गए, वो भी नहीं लिख रहे, तो नात ही पढ़ रहे, लेकिन कम से कम वो दूसरी सी बात का भी जिक्र करते हैं। अब ये है कि ये हमारी हालत हो चुकी है कि हमने क्या किया है कि मदरसों को और स्कूल को दोनों को अलग कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लम खुद दीन की दावत, दीन उनके पास था, अल्लाह के रसूल सल्लम के पास, वो सहाबा को सिखा रहे, वो कैदी आए तो उनसे कहा कि तुम इनको दुनिया का पढ़ना सिखाओ, तो उसी मस्जिद नबी के अंदर वो भी सिखा रहे और उसी मस्जिद नबी के अंदर दुनिया भी इल्म भी सिखा जा रहा है। अब हमने क्या किया, मदरसे को अलग कर दिया और स्कूल को अलग कर दिया। अब ये हो गया उसके अंदर कि जो मदरसे से निकला वो मस्जिद के अंदर जाके बैठ गया, वो इमाम बन गया, आलिम बन गया, अब वो बाहर निकलने को तैयार नहीं दुनिया के अंदर, तो दुनिया के मसाइल हल नहीं हो रहे, लोग दुनिया से लड़ रहे, वो काम क्या करे क्या नहीं करे, आलिम को पता ही नहीं वो कि इसके इसका मसाइल का हल कैसे करे, उसको पता ही इल्म नहीं उसके बारे में, तो बाहर नहीं निकल रहा। अब जो स्कूल चला गया तो वो मस्जिद के अंदर नहीं जा रहा, बोले क्या फ़ायदा क्या जाने से, मिल तो कुछ नहीं रहा। तो ये हमारी ऐसी हालत हो गई कि दोनों कॉम्बिनेशन हमने बनाए नहीं, तो आज सब दूर से हम दूर हैं। लेकिन असलाफ हमारे पास जो असलाफ थे तो सब के उनके पास दोनों चीज़ थी, दुनिया भी इल्म भी और दीनी इल्म भी था। अब उसके बाद में फिर हमारी हालत ये है, और उसके बाद अब फिर जो बेचारे काम करते हैं ना दाई, वो दुनिया के सामने इस्लाम ले जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो इस्लाम ऐसा है, अल्लाह के रसूल सल्लम ये थे, तो वो कुरान में कैसी बेहतरीन बेहतरीन बातें लिखी हुई है, उसके सामने ये अमन का दीन है, ये जो है इस्लाम का पैगाम ऐसा है, ये सब इंसानियत को ऊपर उठाने के लिए, सब इंसानियत की बात करता है, ये सब बताते हैं उसको, तो वो क्या करता है कि वो फिर वो बोलता है कि ठीक है किताब में तो लिखा है, लेकिन ये है कि वो देखता किधर है, फिर वो देखता मुसलमानों की तरफ, बोले अमन की बात कर रहे हैं, बंदूक तो सब इन्होंने उठा रखी, तो फिर ये रह गया अमन वाला दीन। अखलाक की बात कर रहे हैं, मोहल्ले में जाओ तो कान में उंगली डाल के जाना पड़ता है, नई नई गालियाँ तो ही ईजाद होती हैं इनकी यहाँ पर मोहल्ले के अंदर, और फिर वो अब वो दुनिया के सामने ले जा रहा है बेचारा दाई मेहनत करके, तो वो मुसलमानों को देख रहा है, बोले हाँ देखिए हमारे मोहल्ले में रहते तुम्हारे किरदार अखलाक देख रखे, हमने रात को लड़ने लग जाते हैं उठ के 2 बजे भी, तो भरोसा नहीं इनका, हेडपम्प पे पानी भरने आते हैं, हेडपम्प पे एहसान करते हैं, हर 2-4 दिन में तोड़ देते पूरा, ये मुस्लिम मोहल्ले की हालत, तो ये सब हालत हो रही है। तो फिर हाँ आदमी किसी को बताएंगे लाख बताएं तो फिर वो मानेगा थोड़ी कि क्या, एक एक वाकया भी है, 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक पाकिस्तान के इजमामुल हक, एक ब्राइन लारा, अनवर सुहेल अनवर, और ये एक बार इन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में थे वो, तो उन्होंने ब्राइन बोला इसको दीन की दावत देते, ब्राइन लारा, तो इजमामुल हक ने क्या कि लाओ उसको बुला के लेकर आओ, के लेके आओ क्लब में बैठे थे, उन्होंने पहले इसको दीन समझाते हैं, फिर ही बैठे थे, ब्राइन लारा को लेकर आए, उन्होंने उसको दीन पेश किया कि ऐसा है ये है अमन है ये है। पूरा उन्होंने पूरी अच्छाई थी दीन की बताई, तो उसने क्या उन्होंने क्या शायद ध्यान से सुन रहा, तो उन्होंने सोचा कबूल कर ले शायद, इसी ध्यान से सुन रहा पूछ भी रहा, जब वो उठा वहाँ से ब्राइन लारा उठ के फिर गया, वो बोले बात तो तुम्हारी अच्छी है, सब लिखा हुए भी अच्छा है सब बढ़िया, लेकिन तुम मुसलमानों में नज़र नहीं आता है, ये कहकर चला गया। तो असल क्या है कि हमारे पास में किरदार ही नहीं बचा, तो हम कितना ही पेश करें तो देखेगा तो उनको अमल में नज़र नहीं आ, तो इसकी वजह से फिर लोग इसको कबूल नहीं करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में पहली वही आई और अल्लाह के रसूल ने उसको नाफिस किया लोगों को इल्म के लिए, और इल्म की कितनी हदीसें सब जानते हैं, वापस रखने की तफसीलात की ज़रूरत नहीं, कुरान में भी इसके लिए उभारा गया।